वेटरन्स इंडिया सीतामढ़ी द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च वेटरन्स इंडिया सीतामढ़ी द्वारा जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मी राय जी के अध्यक्षता में सीतामढ़ी महसोल चौक से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बक्सर डुमराव निवासी पूर्व सैनिक गजेंद्र तिवारी के मृत पुत्र आशीष कुमार को श्रद्धांजलि एवं न्याय के लिए पूर्व सैनिकों युवा समाज सेवियों ने हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च किया। 7 अगस्त को अपराधियों द्वारा आशीष का अपहरण कर लिया गया था एवं 30 को फिरौती मांगी गई थी। वेटरन्स इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए बिहार के DGP श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से मिलकर बच्चों को मुक्त कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के लापरवाह रवैये के कारण आशीष को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल है कि जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है उसके परिवार की रक्षा अगर सरकार नहीं कर पाती है तो यह सरकार निकम्मी है, कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। एक सवाल तो सबके मन में आता होगा और आना चाहिए कि क्या यह बच्चे की आयु इतनी थी? इसका नाम आयुष, आयुष का मतलब आप समझते हैं, क्या यह बच्चे की आयु इतनी थी? यह सरकार का निकम्मापन ही है कि 16 दिन बाद जो है उसकी डेड बॉडी को बरामद कर पाता है। अगर वह पहले पहल करता, DGP को मिलना ना पड़ता, DGP अपनी जिम्मेवारी को समझता तो यह बच्चा सही सलामत हमारे बीच होता। और अपराधियों को भी एक बात कहना होगा, मुझे लगता है शिक्षा की कमी अपराध में भी है। पता होना चाहिए कि एक सैनिक, एक पूर्व सैनिक के पास 3 लाख कहाँ से आएंगे? उसे लगा होगा कोई नेता का बेटा को किडनैप कर लिया है, यह बात सोचना चाहिए। और यह तो बड़ी गलानी की बात है अपराध के क्षेत्र में भी कि जो देश की रक्षा करता है उसके घरों को भी छोड़ नहीं रहे हो तो कौन से अपराध की दुनिया में जा रहे हो? एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन दोषी है, एक तरफ जहाँ सरकार की निष्क्रियता दोषी है, वहीं दूसरी तरफ यह अपराधी मानसिकता भी दोषी है। आज पूरा शहर देख रहे हैं आप क्या स्थिति है, दुकानदार बोर्ड लगा के दुकानों में बैठा हुआ कि मुझे सुरक्षा चाहिए। क्या इस स्थिति में हम सुरक्षित हैं? क्या इस स्थिति में पूर्व सैनिक सुरक्षित है? क्या इस स्थिति में आम आदमी सुरक्षित है? जिनका बच्चा स्कूल जाएगा कब किडनैप हो जाएगा इस बात की गारंटी है? कौन से पेट्रोल पंप पे आप रहेंगे पेट्रोल भरवाते हुए और गोली चल जाएगी इस बात की गारंटी है? कौन से मेडिकल स्टोर पे आप दवाई ले रहे होंगे और कब गोली चल जाएगी इस बात की गारंटी है? क्या शहर में ऐसा नहीं हो रहा है? यह भी एक समस्या है। सवाल यह नहीं कि हम आज जागृत हुए हैं, हम जागृत हुए हैं कि हम सबको जागृत होना है और लगातार जागृत होना है। अगर पुलिस प्रशासन में खामी है इवन आपके जिले में भी तो फिर तबादला क्यों नहीं होता है? अगर कोई कमी है तो दुरुस्त क्यों नहीं कर लिया जाता है? आज बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, लेकिन निश्चित रूप से इसमें धरातल पे काम करने की बात है। और जैसा अभी अनिल जी कह रहे थे, यही अगर एक राजनीतिक मुहिम होता तो तमाम नेता आ जाते हाथ सेकने। आप सही है, हम भी पूरी श्रद्धांजलि देते हैं अरुण जेटली जी को, लेकिन सवाल है कि क्या इस बच्चे का नहीं होना चाहिए? आज पूरे मीडिया में यह खबर नहीं होना चाहिए कि एक पूर्व सैनिक 3 लाख रुपए फिरौती की रकम दे नहीं पाया क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में इतना कमाया नहीं होगा, इसीलिए उसका बच्चा आज सही सलामत नहीं बल्कि दुनिया से बाहर।